में रूहों से बिछड़ जाते हैं लोग, प्यास बुझाने की कोशिश में भूखे रह जाते हैं लोग। कुछ इंसान चाहकर भी अपने नहीं होते, कुछ इंसान चाहकर भी अपने नहीं होते, और कुछ इंसानों का ना चाहते हुए भी हमें होना पड़ता है। अकेली हूँ मैं, हाँ अकेली हूँ मैं। हर कोई मुझसे कहता है, अरे बता अकेले रहना कैसा है। चलो आज बता ही देती हूँ, अकेले रहना कुछ ऐसा है चाय में बिना शक्कर जैसा है, बिन मौसम की बरसात और दिल में उठा एक तूफान जैसा है। जी हाँ अकेले रहना कुछ ऐसा है। मैं जब भी आईने को देखती हूँ, मैं जब भी आईने को देखती हूँ एक चीज महसूस करती हूँ, फोटो पे लिपस्टिक जो लगा रही हूँ, फोटो पे लिपस्टिक जो लगा रही हूँ वो किसको दिखाना चाह रही हूँ, कौन है मेरी तारीफ करने वाला। मैं सोचती हूँ मैं खुद को सजाऊं तो सजाऊं भी क्यों, मैं सोचती हूँ मैं खुद को सजाऊं तो सजाऊं भी क्यों, साज सिंगार से क्या होगा, साज सिंगार से क्या होगा, ये 2019 में कहाँ किसी को मुझसे प्यार होगा। जज्बात मेरे हैं कुछ जज्बाती से, जज्बात मेरे हैं कुछ जज्बाती से, सोचती हूँ ये इश्क प्यार लाऊं कहाँ से, सोचती हूँ ये इश्क प्यार लाऊं कहाँ से, अपनी जिंदगी का खालीपन मिटाऊं कहाँ से। हाँ होती है जिंदगी, हाँ होती है जिंदगी सिर्फ माँ बाप से, लेकिन दिल का सुकून और मन की प्यास बुझाऊं कहाँ से। ये सब सिर्फ एक साथ कर सकता है, ये सब सिर्फ एक साथ कर सकता है, रूह को सुकून वही दे सकता है। अकेलापन मुझको हर रोज खाता है, दिल का एक कोना हर रोज खाली रह जाता है। हाँ जज्बाती होकर लिख रही हूँ ये, हाँ जज्बाती होकर लिख रही हूँ ये बातें, अधूरे ख्याल और जज्बाती चाहते। आखिर में बता दूं, आखिर में बता दूं, अकेलापन भी एक बीमारी है, अकेलापन भी एक बीमारी है, दूर रहना ये दिल पर भारी है। इस बीमारी का इलाज पूरी उम्र के लिए सिर्फ एक शख्स का साथ,